हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 25 को डिस्कस करें। हम 503 कोड को डिस्कस करें। इसमें हम आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को टीच कैसे किया जाता है, वोकैबुलरी को टीच करने का मेथड क्या है, वे क्या है और प्रोसीजर क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि वोकैबुलरी को हम स्टूडेंट्स के थ्रू सॉरी स्टूडेंट्स को कैसे कन्वे कर सकते हैं और टीचर्स कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। वोकैबुलरी सबसे पहले पता होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग इज़ वन ऑफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स इन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। मेजॉरिटी ऑफ मीनिंग इज कैरी लेक्सिकली। वोकैबुलरी इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज वन नाउंस। इट इज़ लार्जली कंसिस्ट ऑफ कंटेंट वर्ड्स एंड पोस्ट। द टर्म वर्ड इज वोकैबुलरी। टीचिंग रेफर्स टू एक्सप्रेशंस मेड अप वन और मोर टर्म व्हिच फॉर्म यूनिट द मीनिंग। देयरफॉर idioms and multi-verbs such as phrasal and preposition verbs give up, put up will be considered words the same way in single words। मतलब वोकैबुलरी एक नॉलेज होता है, एक की बिल्डिंग होती है हमारी लर्निंग में। किसी भी न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वोकैबुलरी को उसने सिंपल वर्ड्स में द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, तो इसमें डिफरेंट किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, कोई भी वोकैबुलरी की काइंड्स हो सकती है। तो इसलिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लर्निंग में। इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी लर्निंग, लर्निंग मतलब वोकैबुलरी को लर्न करना क्यों चाहिए और क्यों ज़रूरी है वोकैबुलरी को लर्न करना, इसकी अहमियत क्या है लैंग्वेज में। तो मोर वर्ड्स यू लर्न नाउ द मोर दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हियर एंड रीड एंड बेटर दे विल बिकम एंड एक्सप्रेसिंग व्हाट दे वांट टू व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। मोटिवेशनल इंपैक्ट रेजेस अचीवमेंट एंड कॉन्फिडेंस इन लैंग्वेज टू लर्निंग। वोकैबुलरी हेल्प स्टूडेंट बिकमिंग इंडिपेंडेंट लर्नर विद अ वर्ड टू एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ मीनिंग। कम्युनिकेशन इन लैंग्वेज टू जस्ट कैन नॉट हैपन इन द मीनिंगफुल वे। इस पूरा पैराग्राफ में ये बताना चाह रहा है कि अगर आप सेकंड लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल करना चाहते हैं, सेकंड लैंग्वेज को ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो वोकैबुलरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वोकैबुलरी की रोल अदा करती है आपकी लर्निंग में। वोकैबुलरी लर्निंग एज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब कोई पेचीदा अमल है। इट डज नॉट मीन अकरिंग द सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज फॉर एवरी वर्ड। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्टिव एक्टिव वोकैबुलरी। द वर्ड लर्नर नीड टू बी एबल टू यूज एंड अंडरस्टैंड परसेप्टिव पैसिव वोकैबुलरी। द वर्ड दे नीड टू रिकॉग्नाइज। टीचर शुड फोकस ऑन द प्रोडक्टिव नॉलेज ऑफ द वर्ड देन द रिसेप्टिव वन। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू थिंक दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। लर्निंग लिस्ट ऑफ वर्ड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज लिमिटेड। यूज लर्निंग वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट पर्पस। की फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर जर्नी मोर यूजफुल दैन की वर्ड्स and easier for learner to utilize and able to reproduce. When a teacher introduces vocabulary, there is always a chance that it is a new some student in the class. Teacher can start by showing pictures and miming the actions and then nominates the students to illustrate. They can be asked to put the correct words in the sentence. This can be done with the whole class or the student can work in the pairs. इसमें बताना ये चाह रहा है कि vocabulary productivity में बहुत की रोल अदा करती है। मतलब इससे नॉलेज प्रोडक्ट होता है, न्यू न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं, न्यू न्यू बातें आती हैं। तो वोकैबुलरी बहुत ही की रोल अदा करती है आपकी लर्निंग में। जब वो कह रहा सेकंड पैराग्राफ में बताना चाह रहा है कि जब एक टीचर वोकैबुलरी टीच करता है तो स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ होती है, नई चीज़ सीखने को मिलती है और नई बातें उसके माइंड में आती हैं और नया नॉलेज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए और टीच करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि वोकैबुलरी की रोल करती है आपकी लर्निंग में। रिमेंबरिंग वर्ड्स, वर्ड्स को याद करना, मतलब क्या तरीकाकार होना चाहिए, किस फॉर्म में वर्ड्स को याद किया जा सकता। द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, सबसे पहले है कि वर्ड्स के मीनिंग आने चाहिए। जब आप वर्ड्स के मीनिंग आएंगे डेफिनेटली आपकी वोकैबुलरी पक्की होगी और वोकैबुलरी में खातर खा इजाफा होगा। स्पोकन या रिटन फॉर्म्स, कोई चीज़ स्पोकन या रिटन फॉर्म में भी हो सकती है,
उसको भी लर्न करना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन हो सकती है, मॉर्फोलॉजी है, वर्ड्स फॉर्मेशन है, फिर फिक्सिस फिक्सिस है, रूट फॉर्म है पॉसिबल, ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड बिहेवियर, इनके थ्रू भी वोकैबुलरी को लर्न किया जा सकता है। उसके बाद कलेक्शंस है, कलेक्शन भी एक वे है जिसके थ्रू वोकैबुलरी को लर्न किया जा सकता है। उसके बाद रजिस्टर्ड है, द लैंग्वेज लॉ, मेडिसिन, कुकिंग स्टाइल है, स्टाइल डिफाइन द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, ह्यूमर्स एंड डायलेक्ट है, बोलने का अंदाज, एसोसिएशन है, लोग एसोसिएट मतलब चीज़ों का बामी मेल जो उनका नोटेशन एंड पॉलिसी मिस मीनिंग, करंट मतलब हिडन मीनिंग, अपेरेंटली मीनिंग, कुछ वर्ड्स या सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके हिडन मीनिंग और होते हैं और दूसरे मीनिंग और होते हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी एक बहुत अच्छा मेथड है वोकैबुलरी लर्न करने का। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्पीच में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए वो चीज़। प्रेजेंटेशन है, टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी क्या होती है, कॉमन वे टू प्रेजेंट वर्ड्स एग्री रिमेनिंग टीचर एंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, ट्रांजिशन अप्रोच टेक्निक्स, वर्बल एंड वर्बल टेक्निक्स मतलब इसमें कुछ टेक्निक्स को बताना चाह रहा है कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट को, टीच करते वक्त टीचर्स को क्या मेथड अपनाना चाहिए। उसके बाद कहना चाहता है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, स्टूडेंट ही है चीज़, स्टूडेंट की मतलब लर्नर होता है और स्टूडेंट को चाहिए कि वो टीचर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे और टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अलाउ करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आस्क कर सकें टीचर से और अपनी वोकैबुलरी में इजाफा कर सकें। स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ टीचिंग वोकैबुलरी, वोकैबुलरी को टीच करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, ये डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज़ उसने बताई हैं। फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद रेंज है, एबिलिटी एंड एक्सपीडेंसी है, इंडक्टिव एंड कलेक्टिव नीड्स ऑफ लर्नर है, उसके बाद लर्नबिलिटी है, ग्रुप ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स हैं। ये सारी चीज़ें उसने बताने की कोशिश की है कि ग्रुप्स ऑफ वोकैबुलरी आइटम्स, स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए टीचर के माइंड में टीचिंग वोकैबुलरी टू में, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ टीचर को माइंड में रखनी चाहिए जब वो टीच कर रहा होता है। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी, टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद एक्टिविटीज़ वर टीचिंग वोकैबुलरी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को करनी चाहिए जब वो वोकैबुलरी सीख रहा होता है, जब या टीचर वोकैबुलरी टीच कर रहा होता है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्लास में होनी चाहिए। सिमेंटिक में एक वर्ड्स का रीडिंग टेक्निक्स, वेन डायग्राम टेक्निक्स, क्रॉस वर्ड पजल, एनग्राम्स, वर्ड डेफिनेशन, वन वर्ड सब्सटेंस, लिंकिंग वर्ड्स, फिनिश द सेंटेंस, तो ये सारी टेक्निक्स उसने शेयर की हैं कि तमाम टेक्निक्स टीचर को यूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी। तो आज के लेक्चर में हम टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी को डिस्कस किया और उसमें देखा कि टीचर्स को कैसे वोकैबुलरी के बारे में टीच करना चाहिए और कैसे आइडिया होना चाहिए टीचर को कि स्टूडेंट्स न्यू वोकैबुलरी लर्न कर रहा है, न्यू चीज़ें सीख रहा है, ये टीचर पे ही डिपेंड करता है और टीचर कैन नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। तो टीचर्स को नेक्स्ट मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, मतलब ये सारी बातें टीचिंग से ही रिलेटेड है कि टीचर कैसे वोकैबुलरी टीच करता है।